आपने कहा कि ये बहुत रेयर है और बहुत एक्सपेंसिव है. यस, इट्स अ वीआईपी प्रूफ सेट. सो द मिंटेज वीआईपी प्रूफ, व्हाट इज, व्हाट डज लाइक गवर्नमेंट हैड इशूड टू सेट्स, वन इज नॉर्मल सेट एंड वन इज वीआईपी सेट. सो वीआईपी इज फॉर स्पेशल, मतलब स्पेशल पैकिंग एंड ऑल दैट. सो द मिंटेज ऑफ दिस सेट इज ओनली 20. वाओ. एंड लाइक द रीसेंट सेल ऑफ दिस सेट वाज लाइक 80,000 इन एन ऑक्शन. वाओ, दिस इज अ 80,000 के कॉइन्स है. ओके, तो अब आपको समझ में आया कि कॉइन्स की वैल्यू उनके समय के जाने के बाद ज़्यादा हो जाती है. हमको तो लगता था ये तो पुराने कॉइन्स हैं, इसका क्या करेंगे, 10 के सिक्के और 25 पैसे, बट उनके जाने के बाद द वन टाइम दे आर नाउ आउट ऑफ द सर्कुलेशन, उसके बाद उनकी वैल्यू ज़्यादा हो गई. दैट्स अमेजिंग. दोस्तों, अगर आप भी यूपी, बिहार, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान इन राज्यों के रहने वाले हो तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को जरूर देख लेना. इन राज्यों में पुराने नोट और सिक्कों की 5 बड़ी प्रदर्शनियां लगने जा रही है. अगर आपके पास कोई भी पुराने जमाने की नोट और सिक्के हैं तो दोस्तों दीपावली के फेस्टिवल सीजन पर ये नोट और सिक्कों की 5 बड़ी प्रदर्शनियां लगने जा रही है. इन प्रदर्शनियां में आप घर बैठे नोट और सिक्के बेच सकते हो और ये यहाँ पर मुद्रा प्रदर्शन जो लगने जा रही है, यहाँ पर जो बायर आएंगे उन बायरों से आप कॉन्टेक्ट करोगे तो आपके घर बैठे नोट और सिक्के बिकेंगे. तो अगर आपको सच में अपने नोट और सिक्के बेचने हैं इस दीपावली के फेस्टिवल सीजन पर, अपने नोट और सिक्के बेचना चाहते हो तो दोस्तों आप एकदम सही वीडियो में क्लिक कर चुके हो. दोस्तों कई सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर आप हमें सीधा ऐसे कोई बायर का नंबर दीजिए जिनके माध्यम से हमारी नोट और सिक्के बिके. तो दोस्तों आज मैं एक आपको ऐसे ही बायर का नंबर देने वाला हूँ. अगर आपको घर बैठे अपने नोट और सिक्के बेचने हैं तो इन बायर से आप कॉन्टेक्ट करके अपने नोट और सिक्कों की सारी व्हाट्सएप पर फोटो भी भेज सकते हो, इनको सारी जानकारी बता सकते हो और ये नोट और सिक्के आपके घर आकर खरीदेंगे पहले अगर आपको सच में अपने नोट और सिक्के बेचने हैं. तो चलिए दोस्तों आपको एक एक करके संपूर्ण जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ. बायर की क्या नंबर है, बायर कौन से राज्य के रहने वाले, ये भी आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ. दोस्तों वैसे तो YouTube पर 95% ऐसे लोग हैं जो YouTube पर नोट और सिक्कों की जानकारी देते हैं, लेकिन उनमें से लगभग मैं आपको बता दूं तो 85 लगभग ऐसी जानकारी जो लोग बताते हैं उनमें से फेक बताई जाती है. तो अगर आपको सच में कोई रियल में नोट और सिक्कों की कीमत भी बताता हो और वो उन कीमत के साथ साथ अगर आपको कोई ऑफर दे रहा हो, जैसे कि लोग बताते हैं कि आपको नोट और सिक्के बिकेंगे और आपको 10 लाख मिलेंगे, 15 लाख मिलेंगे और आपको एक गाड़ी भी मिलेगी, ये जो लोग ऑफर दे रहे हैं इनमें से दोस्तों मैं आपको बता दूं 50% फ्रॉड बताया जाता है. तो अगर आपको सच में नोट और सिक्के बेचने हैं तो मैं आपको जो कीमत बताऊंगा वो कीमत आपको यहां पर मिलेगी. और जो बायर के नंबर देने जा रहा हूं ये रियल बायर है, इनको आप कॉल भी कर सकते हो, आप सारी जानकारी इनको बता देना और आपके घर आकर ये नोट और सिक्के कलेक्ट कर लेंगे. तो चलिए दोस्तों एक एक करके संपूर्ण जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं. लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते उससे पहले अगर आप हमारे इस YouTube चैनल DRS हेल्पलाइन पर नहीं हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिख रहा छोटा सा बेल आइकन घंटे का बटन उसे जरूर प्रेस करें. इससे दोस्तों आपको ही फायदा होगा क्योंकि हम इसी प्रकार की और ऐसी नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी. हम कोई एग्जीबिशन की जानकारी देंगे या फिर कोई म्यूजियम की देंगे या फिर कोई कॉइन शॉप की जानकारी देंगे तो वो जानकारी भी आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचेगी. तो चलिए दोस्तों आगे की जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं. बायर के नंबर है वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दे देता हूं. दोस्तों अभी मैं आपको अलग अलग नोट और अलग अलग सिक्कों की जो प्राइस है वो आपको मैं बता देता हूं. अगर आपके पास इनमें से एक नोट या फिर एक सिक्का भी मिल जाता है तो दोस्तों आपको मैं जो प्राइस बताने जा रहा हूं वो आपको मिलने वाली है. तो सबसे पहले आप देख रहे हो रुपए का 1/5 एक पैसे का सिक्का है. इस सिक्के में यहाँ पर देख सकते हो सन 1964 लिखा हुआ होना चाहिए. इस प्रकार का गोल्डन में होता है तो आपको 6,30,000 रुपये में, यानी कि प्रेजेंट टाइम में आपको एक सिक्के के बदले में कीमत मिलेगी. जो मैं आपको आगे नंबर देने जा रहा हूँ उस नंबर पर ये सिक्का व्हाट्सएप पर फोटो खींच कर भेजना होगा और आपका सिक्का खरीद लिया जाएगा. अगला दोस्तों 5 रुपये का सिक्का है, ये भी दोस्तों गोल्डन कलर में होना चाहिए और सन 2009 में ये सिक्का जारी किया गया. इसमें यहाँ पर मिंट मार्क देखोगे तो आपको डायमंड का मिंट मार्क आएगा और इस सिक्के की कीमत की बात करें तो 4,10,000 रुपये, यानी कि आपका गोल्डन कलर में सिक्का होता है तो आपको इस सिक्के की इतनी कीमत आपको मिल सकती है. और एग्जीबिशन शो जो मुंबई में हो रहा है वहाँ पर इस सिक्के की बहुत ज़्यादा मतलब मांग रखी गई है. तो अगर आपके पास है तो 4,10,000 रुपये आपको बायर दे देंगे. आपको जो आगे मैं नंबर देने जा रहा हूँ उस नंबर पर फोटो खींच कर भेजना होगा. अगला दोस्तों 25 पैसे गेंडे वाला सिक्का. इस सिक्के की दोस्तों आपको मैं बता दूं काफ़ी ज़्यादा जब मुंबई में एग्जीबिशन हर बार होता है
तो वहां पर इस सिक्के काफी ज्यादा हर बार मांग रहे थे और इस बार भी बहुत ज्यादा मांगे। तो इस सिक्के के बदले में आपको 7,20,000 रुपये यहाँ पर इस बार जो एग्जीबिशन है और जो कॉइन शॉप है वहाँ पर आपको कीमत मिल सकती है। और इस फेस्टिवल सीजन में ये पहली बार इतनी कीमत बढ़ा कर रखी है। तो अगर आपके पास है तो 7,20,000 रुपये एक सिक्के के बदले में, यहाँ पर 25 पैसे गेंडे वाला सिक्का है तो आपको एक सिक्के के बदले में मिलेगी। अगला दोस्तों 500 रुपये वाला नोट, ये नोट तो जैसे कि मैं आपको बता दूँ 8 नवंबर 2016 को मोदी सरकार के द्वारा 500 और 1,000 रुपये के नोट बैन किए थे। इन्हीं में से अगर आपके पास 500 रुपये वाला नोट होता है तो आपको 9,00,000 रुपये की कीमत आपको मिल सकती है। लेकिन आपको यहाँ पर देखना होगा इस नोट में एक मिंट मार्क दिया गया है, वो सीरियल नंबर के नीचे इस प्रकार का ई का मिंट मार्क होता है तो आपको 9,00,000 रुपये कीमत मिलेगी। दोस्तों अगर आपके पास ई का मिंट मार्क वाला नोट नहीं है, दूसरा कोई मिंट मार्क वाला है, तो आप हमें व्हाट्सएप पर भेज देना, उसके हिसाब से आपको कीमत तय करके बता दिया जाएगा कि आपका नोट की कितनी प्राइस यानी कि आपको मिल सकती है। अगले दोस्तों 4 सिक्के देख रहे हो, 1 रुपये के सिक्के, अगर आपके पास चारों सिक्के मिल जाते हैं तो आपको 9,00,000 रुपये कीमत आपको मिल जाएगी। इनमें से ये दोनों चारों सिक्के दोस्तों हैं तो 1 रुपये, लेकिन यहाँ पर देखोगे इसमें सन भी अलग अलग, मिंट मार्क भी अलग अलग होना चाहिए। तो आप देख सकते हो पहला सिक्का देख रहे हो 1 रुपये का सिक्का है और इसकी डिजाइन है वो भी इस प्रकार कुछ अलग है। और ये सिक्का सन 2013 में जारी किया गया डायमंड का मिंट मार्क है। और ये सिक्का है दोस्तों 1 रुपये का, इस प्रकार के साइडों में गेहूं की बालियाँ होनी चाहिए। और यहाँ पर सन 1985 इसमें एच का मिंट मार्क, इस प्रकार का एच का मिंट मार्क वाला सिक्का होता है। और नीचे वाला सिक्का आप देख सकते हो ये भी 1 रुपये का सिक्का है, इसकी डिजाइन यहाँ पर अलग है, थोड़ी अलग है। ऊपर वाले सिक्के की थोड़ी डिजाइन इस प्रकार चौकोर है और इसकी गोलाकार है। और इसमें सन 1998 में लिखा होना चाहिए और नोएडा का मिंट मार्क होना चाहिए तो आपको ये सिक्का सेल हो जाएगा। और दूसरा सिक्का देख रहे हो 1 रुपये वाला सिक्का, ये सिक्का आप सन 1990 में सिक्का जारी होना चाहिए और डॉट का मिंट मार्क होना चाहिए। अगर आपके पास चारों मिंट मार्क के सिक्के पाए जाते हैं तो आपको 9,00,000 रुपये यानी कि प्रत्येक सिक्के के बदले में कीमत बताई जाए तो आपको 2,00,000 रुपये के समथिंग कीमत मिल जाएगी। अगला दोस्तों 50 रुपये के और 200 रुपये के नोट है, अगर आपके पास ये दोनों नोट मिल जाते तो दोनों नोट को आपको सेल करके आप 6,60,000 रुपये एग्जीबिशन शो के माध्यम से आप कीमत कमा सकते हो इस फेस्टिवल सीजन ऑफर में। लेकिन यहाँ पर नोट देख रहे हैं इस नोट में स्टार की सीरियल नंबर होनी चाहिए, अगर आपके पास नोट है उसमें स्टार की सीरियल नंबर होती है तो आपका नोट रेयर है। काफ़ी सारे लोग जो एग्जीबिशन में आते हैं हमें बोलते हैं कि सर आपने कीमत तो बताई लेकिन हमें इतनी कीमत दे नहीं रहे हो। लेकिन दोस्तों आप 50 रुपये वाला ऊपर वाला नोट देख रहे हैं इसमें आर का इस प्रकार का वाटरमार्क होना चाहिए और 200 रुपये वाले नोट में स्टार की सीरियल नंबर होती है तो आपका नोट रेयर होता है और आपको इतनी कीमत मिलेगी। अगर दोस्तों 2 रुपये वाले दोनों नोट है, ये दोनों नोट आप सेल करोगे, दोनों नोट जैसे कि पुराने नोट है तो आपको 8,10,240 रुपये यानी कि दोनों नोट के बदले में मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं बताऊँ तो ये 2 रुपये का नोट है पुराना वाला, यहाँ पर देखेंगे अशोक स्तंभ है सत्यमेव जयते लिखा हुआ होना चाहिए और यहाँ पर सीरियल नंबर होनी चाहिए, बी का वाटरमार्क होना चाहिए, अशोक स्तंभ का यहाँ पर वाटरमार्क होना चाहिए। तो 2 रुपये वाला नोट है और ये दोस्तों यहाँ पर 2 रुपये वाला नोट है, इसमें अंग्रेज राजा की तस्वीर होनी चाहिए और इस प्रकार का वाटरमार्क होना चाहिए। दोनों नोट सेल करके आप 8,10,000 रुपये यानी कि प्रेजेंट टाइम में कीमत कमा सकते हो। तो आपको जो नोट बता रहा हूँ ये आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहे, इस नंबर पर आप फोटो खींच कर भेज देना, आपसे भाई रातों रात कॉन्टेक्ट कर लेंगे, घर बैठे आप संपर्क कर सकते हो। और इसी के साथ ही दोस्तों अगला नोट है 10 रुपये वाला नोट, अगर आपके पास इस प्रकार का 10 रुपये वाला नोट होता है तो आप 3,40,000 रुपये एक नोट के बदले में कीमत कमा सकते हो। लेकिन दोस्तों इस नोट में सीरियल नंबर दी गई वो इस प्रकार के 786 अंक की सीरियल नंबर होती है तो आपका नोट रेयर होता है और इस नोट के बदले में आपको 3,40,000 रुपये कीमत आसानी से मिल जाएगी। अगर इसमें 786 की सीरियल नंबर नहीं है तो दोस्तों आपका नोट रेयर है नहीं है और इतनी कीमत आपको नहीं मिल सकती है। अगला दोस्तों ये भारत छोड़ो आंदोलन उस समय का ये सिक्का है और इस सिक्के की कीमत की बात करें तो 1,65,540 रुपये में यानी कि एक सिक्के के बदले में कीमत मिल जाएगी। और हमें ऐसे कलेक्शन के लिए 7,00,000 सिक्के चाहिए, तो अगर आपके पास इस प्रकार का सिक्का है तो भी आप हमें व्हाट्सएप पर भेज देना। और अगला दोस्तों 5 रुपये वाला सिक्का है, सन 2010 में डॉट के मिंट मार्क में सिक्का जारी किया गया, अगर आपके पास ये सिक्का है तो इस सिक्के की कीमत की बात करें तो आपको 1,65,960 रुपये यानी कि एक सिक्के के बदले में कीमत मिल जाएगी। तो अगर आपके पास ये सिक्का है तो भी आप हमें व्हाट्सएप पर भेज देना। और इनमें से आपको जितने भी मैंने नोट और जितने भी सिक्के बताए तो आपके पास एक भी नोट या एक भी सिक्का है तो आपको घर बैठे सेल कर सकते हो और मैंने नंबर भी दे दिया उस नंबर पर भेजना है। इनके अलावा आप कमेंट बॉक्स से आपको कोई कॉल करता है और आपसे कोई पैसों की मांग करता है तो उनको आप पैसे मत देना,
और घर बैठे नोट और सिक्के बेचने के लिए मैंने आपको रियल बायर के नंबर दे दिए, उन बायर से आप कॉन्टेक्ट करोगे तो वो बायर आपको जैसे बोलेंगे वैसे आप करेंगे, तो आपके नोट और सिक्के बेचने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और आपको यूट्यूब पर दूसरा वीडियो देखने कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।